हेलो, माय नेम इज हिमांशु रावत और मेरा सिलेक्शन हुआ है इलाहाबाद बैंक में एज ए पीओ एंड क्लर्क बोथ। और अड्डा 247 ने जो मेरी स्टडीज़ में प्लान्स में हेल्प की है वो हमेशा उनका ग्रेटिट्यूड रहेगा। और मैंने जीके कैप्सूल्स फॉलो किए हैं अड्डा 247 से और आज के यूट्यूब लेसन सीखे थे। मैं बैंकिंग में आई और बैंकिंग में मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो फिर मैंने आंचल मैम वाला बैच ज्वाइन किया था। फिर उसमें मैं SBI नहीं दे पाई थी क्योंकि मेरा Tier 3 और SBI एक साथ था। फिर मैंने सीधा IBPS दिया। IBPS में मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैंने अड्डा की वीडियोज़ भी बहुत फॉलो करी। लक्ष्मी नगर ब्रांच में आंचल मैम ने मुझे इंग्लिश पढ़ाया और फिर इंग्लिश भी एक मोर देन एवरेज था। तो जो आपके एम के पास आपको ले जा रहा हो उसकी आवाज़ सुनो, चाहे वो ब्रेन की आवाज़ हो चाहे वो दिल की आवाज़ हो, तो हमेशा आप मोटिवेटेड रहोगे और लाइफ में जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँच जाओगे। स्पेशली आंचल मैम, बिकॉज सिंस माई क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड वॉज वी, सो आई अपलिफ्टेड माई अदर सेक्शंस एंड स्पेशली इंग्लिश, सो माई वोकैबुलरी गॉट प्रूव्ड। आई वर्क एक्सट्रीमली वेल ऑन इंग्लिश सेक्शन, आई टुक लीड इन ऑल द टाइम इन इंग्लिश सेक्शन। So that was the game changer for me. That's it. Thank you so much, Atta 2017. मैम आपका भी, मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था बट 2018 के हर एग्जाम के अंदर मेरे को 30 अबव ही स्कोर हुआ है। इंग्लिश भी थोड़ी वीक है तो इंग्लिश के लिए मैंने आचल मैम का वीडियो देखा, उससे काफ़ी हेल्प हुई। फिर राधे सर की रीजनिंग देखी, उसके बाद मैंने IBPS एग्ज़ाम दिया। IBPS होपफुली मेरा क्लियर हो गया और RRB PO भी मेरा रिजर्व लिस्ट में है। IBPS PO क्लियर हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इम्प्रूव हो गई थी अभी 2018 में। एक भी एग्ज़ाम इंग्लिश की वजह से नहीं रहा था कि, और 2017 में यही हुआ था। IBPS प्रीलिम्स में मैं इंग्लिश की वजह से 2 मार्क्स से रह गया था, तो बहुत इम्प्रूवमेंट किया, बहुत अच्छा लग रहा है। और कैप्सूल तो हमेशा की तरह बहुत अच्छा था, तो थैंक यू। हाँ मैं एक ही मिनट लूँगी। आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरी वन हु सिटिंग ओवर हियर एंड तुम्हारे जितने फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं भी आ पाए हैं तो उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना हमारी तरफ से। सो वन थिंग आई वॉन्ट टू से एंड टेल यू पीपल इज कि तुमने अपने आप को प्राउड फील कराने से ज़्यादा हमें फील कराया है कि एक्चुअली वी डिड समथिंग विथ यू, वी हैव गाइडेड यू इन अ वे कि वो सक्सेसफुल हो पाया है, राइट? और ये मेरे हिसाब से तुम लोग को लगता है तुम्हें बहुत खुशी होती है। मेरे हिसाब से एक टीचर की खुशी सब लोग तो नहीं डिफाइन कर पाते, बट इन माय ओपिनियन दिस इज समथिंग। जब कोई बच्चा एक मैसेज करता है या कॉल करता है ये बताता है कि मैम मेरा सिलेक्शन हो गया है, स्पेशली कोई भी मैं अपने एक स्टूडेंट की बात करूँगा, शालू ने बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी इस साल उसने बहुत सारे एग्जामिनेशन निकाले हैं। सो आप लोगों के दिमाग में सबसे बड़ी टेंशन ये रहती है कि कब क्वालिफाई होगा, कब क्वालिफाई होगा। और मेरे साथ मेरे हिसाब से सब लोग अग्री करेंगे, जब एग्ज़ाम क्वालिफाई होने लग गया होगा तो सबका एग्जामिनेशन सारे क्वालिफाई हो रहे होंगे ना एक साथ, राइट? सो दिस इज जब आता है ना छप्पड़ फाड़ के आता है। सो जितने एग्जाम जितने सिलेक्शन होंगे सारे के सारे एक साथ होने लग जाएंगे, राइट? सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जो भी आपका आने वाला टाइम है, आई वुड जस्ट सजेस्ट कि जो पॉजिटिविटी आपने यहाँ पर कलेक्ट करी है और जितना आपने हमें प्राउड फील कराया है, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, नॉट टुडे नॉट टुमारो बट एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ। आपने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करी है और अगर आप इस चीज़ के लिए सिलेक्ट हुए हो सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव बीन ब्लेस्ड विथ। सो उसको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करिएगा, ठीक है? एंड राइज हायर एवरी डे। थैंक्स अ लॉट।